फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बेल्ट वाले शलवार को प्लाजो में कैसे कन्वर्ट करें उसकी वीडियो लाई हूँ। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, नो एक्स्ट्रा कटिंग, नो एक्स्ट्रा स्टिचिंग। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला पार्ट अलग कर देंगे, यानी हमारी बेल्ट वाला पार्ट। सबसे पहले मैं एक छोटा सा कट डालूँगी जिससे हम आसानी से इसकी कटिंग कर देंगे। बेल्ट वाले पार्ट को अलग कर देंगे और नीचे के प्लेट वाले पार्ट्स को हम अलग कर देंगे। बहुत सफाई से करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से आपको अलग कर देना है दोनों पार्ट को। देखिए मैंने अलग कर दिया, ऊपर वाले बेल्ट वाले पार्ट को अलग कर दिया है, नीचे प्लेट वाले पार्ट को अलग कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं इनको हम अलग कर देंगे। तो देखिए अब मैंने अलग कर रही हूँ, मैंने इन्हें बिल्कुल अलग अलग कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारी इसमें सिलवटें आ रही हैं। हम इसको प्रेस से ठीक करेंगे, हम आसन वाला हिस्सा कट नहीं करेंगे, वो हमारा खुद ही कटिंग में चला जाएगा। मैं खुद आपको एक्स्ट्रा कटिंग नहीं बता रही हूँ। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है जिससे कि हमारी प्लेट्स की सारी सिलवटें निकल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे पांचे वाले साइड को ऊपर की तरफ कर देंगे और हमारी बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। अगर आपकी बेल्ट ज़्यादा बड़ी है या छोटी है, अगर छोटी है तो उसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, और अगर बड़ी है तो आपको कटिंग करके अपने साइज़ का कर लें। ये 1 इंच बड़ी है इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है और मैं इसको फोल्ड कर लूँगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमारा नीफा तो फोल्ड ही है और जो हमारे नीचे का जो कपड़ा ख़राब हो रहा है हम उसको कटिंग में निकाल देंगे। देखिए हमने हटा दिया है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब मैं आपको बता दूँ कितने इंच में आ रही है, ये 8 इंच की है, 8 इंचेस आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें जो पांचों वाला हिस्सा है हमें इतना ही बराबर लेना है जितना हमारी बेल्ट का। देखिए आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पांचों वाला पार्ट नीचे करके बेल्ट वाला पार्ट इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि हमें कटिंग करने में आसानी हो। देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए हमने कर लिया है, अब मैं इसको मिला दूँगी और देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये हमारी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। टोटल लेंथ इसकी 32 इंचेस है, जिससे कि मैं 1 इंच फोल्ड के लिए लेंगे हम। ऊपर का हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि पहले से हमारा नेफा फोल्ड है, और बॉटम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा घेर है, आप जितना बड़ा घेर लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने 11.5 यानी 11.5 पर मैंने मार्क किया है और 1 इंच मैंने फोल्ड का ले रही हूँ 1 इंचेस, आप देख लें। मैं फोल्ड वाली साइड दोनों आपस में जॉइन कर देती हूँ। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमें आसन का निशान लगाना है। तो देखिए हम, मैं जो आसन का निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ 11.5 इंच पर। देखिए मैंने मार्क कर लिया है, सॉरी मुझे थोड़ा पीछे हो गया था, मैं लगा सही से दिखा देती हूँ आपको। देखिए अब हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे हमारे आसन की, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में। देखिए और अब हमने क्या करना है, अब हम इस वाले पॉइंट को नीचे बॉटम वाले पॉइंट से मिला देंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमने 11.5 इंच मार्क करा था तो 1/2 इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करें। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 11.5 इंच पर आ रहा है, 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, 1 इंचेस हमारा फोल्डिंग के लिए, ऊपर से हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। देखिए 31 इंचेस पूरा आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमें इसकी एक साइड की और कटिंग करनी है बेल्ट की, जो हमारा फोल्ड वाला साइड था।
लेकिन बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे कटिंग करनी है। अब मैं इनको आप में खोल लूँगी, हमारे नीचे वाले पार्ट को, बॉटम वाले पार्ट को हम खोल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। दोनों पार्ट्स को मैं एक के ऊपर एक रख दूँगी, यानी सीधे के ऊपर सीधा। देखिए हमने कर लिया है, क्योंकि आजकल प्लाजो का काफ़ी फैशन है, तो जितनी भी आप आपकी पुरानी बेल्ट वाली शलवार हैं आप उन्हें प्लाजो में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इन जॉइंट्स, ये जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है और नीचे प्लेट्स वाला जो हमारा पार्ट था, हम इनको आपस में जॉइन कर देंगे। देखिए इसी तरह से मैं इस पर इस तरह से दोनों को अटैच करके एक सिलाई लगा दूंगी, बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को भी और ऊपर वाले पार्ट को भी, दोनों पैंचों को हम इसी तरह से आपस में जॉइन कर देंगे। उसके बाद हमारे आसन की स्टिचिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इन पार्ट्स को जॉइन करने के बाद हम आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने हमारे आसन की भी स्टिचिंग कर ली और पार्ट्स को भी जॉइन कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनको स्टिच करने से पहले मैंने थोड़ी थोड़ी सी सिलाई खोल ली थी जिससे कि मुझे स्टिचिंग में आसानी हो। तो एक साइड को मैंने खोली तो मैंने दोनों साइडें लेकिन बंद एक साइड करूँगी और दूसरी साइड बाद में बंद करूँगी जब हम इसमें लास्टिक डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर भी इसको एक सिलाई लगा देनी है और बॉटम पार्ट में भी सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा दी है और बॉटम में भी स्टिचिंग कर दी, हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है। कितनी जल्दी बन गया है, ना आपको ज़्यादा कटिंग करनी पड़ी ना स्टिचिंग। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।